वेलकम बैक अगेन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है गुर्जरा प्रतिहार। गुर्जरा प्रतिहारा के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो जो टॉपिक है गुर्जरा प्रतिहारा, देखिए जो गुर्जरा प्रतिहारा है ये एक्चुअल में गुजरात का जो रीजन है और जो राजस्थान का जो रीजन है उनको मेनली कवर करते थे। बाकी इनका किंगडम कुछ टाइम तक मगध तक भी गया है और उसके आगे भी गया है, मेनली मगध तक रहा। फिर कुछ राजाओं के टाइम पे ये बंगाल तक भी पहुंच गए थे। मीन्स किंगडम छोटा बड़ा होता रहा इनका। मेनली इनको सबसे महत्वपूर्ण अगर बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है गुर्जरा प्रतिहारास के बारे में, वो एक तो इन्होंने जितने भी आक्रमण हुए इंडिया में, इंडिया के वेस्ट से जितने भी आक्रमण हुए, ये सिंध रीजन हुआ, सिंध रीजन से अरब का आक्रमण हुआ, उन सभी आक्रमण अनसक्सेसफुल बनाने में गुर्जरा प्रतिहारा का अहम रोल रहा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। From the death of Harsh to the 12th century, तो हर्ष के डेथ के बाद, मीन्स हर्षवर्धन जिसे अपन कहते हैं, वर्धन डायनेस्टी थी उनके लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन, उनके डेथ के बाद द डेस्टिनी ऑफ द इंडिया वॉज ऑलमोस्ट इन द हैंड्स ऑफ द वेरियस राजपूत डायनेस्टीज। तो इंडिया की जो डेस्टिनी थी, जो रूल जो था, वो कई राजपूत डायनेस्टीज के हाथ में आ गया। They belong to the ancient क्षत्रिय families और ये सभी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिहारा, जिसे हम गुर्जरा प्रतिहारा कहते हैं। इन्हें क्या एक फोर्टिफिकेशन भी कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है उसका मैं अभी जीवन बताऊंगा आपको। द प्रतिहारा स्टूड एज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया डिफेंस अगेंस्ट द होस्टिलिटी ऑफ द मुस्लिम्स फ्रॉम द डेज ऑफ द जुनेद ऑफ सिंध टू महमूद ऑफ गजनी। तो प्रतिहारा जो थे इंडिया के लिए एक फोर्टिफिकेशन का काम किया था, उन्होंने इंडिया की किलेबंदी की थी। एक्चुअल में मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, इंडिया की सिंध से जितने भी आक्रमण हुए थे इंडिया पे, उनको सभी को गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी ने असफल कर दिया था। इस कारण से अरब्स जो थे इनके टाइम में इंडिया में भीतर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्रतिहारास के बारे में। वो फोर्टिफिकेशन के लिए जाने जाते थे, किलाबंदी के लिए इंडिया की। इन्हीं के कारण अरब जो थे इंडिया में आगे बढ़ नहीं पाए थे। नागभट फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड 740 तक रहा, फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी विद कनौज एज इट्स कैपिटल, और ये प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर रह चुके थे, फाउंडर थे, और इन्होंने कनौज को अपना कैपिटल बनाया था। कनौज की के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, यूपी में था और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो है उसमें ये तीनों किंगडम प्रतिहारा मीन्स गुर्जरा प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूट, ये तीनों इन्वॉल्व रहे थे किसके लिए, कनौज के लिए, कनौज को कंट्रोल करने के लिए तीनों ही इन्वॉल्व रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे कनौज के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ और यही इस टॉपिक को कनौज वाला यहीं एंड करते हैं, अभी इसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है इस टॉपिक से। नेक्स्ट अपने आते हैं वसराज और नागभट सेकेंड, इन्होंने एम्पायर को मर्ज करने में अहम भूमिका निभाई थी, मीन्स एम्पायर को एक्सपेंड करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है मिहिर भोज, द मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग, ये सबसे पावरफुल प्रतिहारा किंग माने जाते हैं, और इन्होंने जो एम्पायर जो था वो कश्मीर से लेके नर्मदा तक और कातिवार से लेके बिहार तक एक्सटेंड कर दिया था। कश्मीर आप जानते ही है
अगर अपन इंडिया के मैथ की बात करें, ठीक है, तो ये कश्मीर से लेके नर्मदा आपके यहां तक, इस तरफ नर्मदा रिवर आता है, फिर कातिवार आपका हो गया गुजरात में, मीन्स वहां से लेके बिहार तक इन्होंने अपना साम्राज्य एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल, सन ऑफ मेहरभोजन, वाज आल्सो पावरफुल रूलर, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल। और इन्होंने जो साम्राज्य जो था मेहरभोज के टाइम पे बिहार तक जो सीमित रह गया था, उसको इन्होंने मगध और नॉर्थ बंगाल तक बढ़ा दिया। देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं, ये मगध आपका, आप यहां मान सकते हैं मगध ये रीजन हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक मेहरभोज ने जब एम्पायर को एक्सटेंड किया था, उसके फर्दर महेंद्रपाल ने इन एरियाज को भी कवर कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने जो गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी थी उसको और एक्सटेंड कर दिया था। डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहारास, मींस प्रतिहारास का डिक्लाइन कैसे हो गया। तो यहां देखो, इस पर एक तो था कि राज्यपाल जो थे वो और लास्ट प्रतिहारा किंग थे, वास्ट एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू कनौज, और जो इनका जो बड़ा साम्राज्य था वो राज्यपाल के टाइम आते आते वो कनौज तक ही सीमित रह गया था। The Pratihara power began to decline after Mahmud of Ghazni attacked the kingdom in 1018 AD. और Pratihara power जो थी वो decline होने शुरू हो गए, तो इसमें अहम रोल किसका था, Mahmud of Ghazni का। इन्होंने 1018 इस kingdom पे आक्रमण किया था और इस कारण से kingdom बहुत ज़्यादा weak हो गए थे। After the decline of the Pratihara, के decline के बाद उनकी जो feudatories थी, जैसे कि पालास, तोमर्स, चौहान्स, राठौर, चंदेल, ये सब इंडिपेंडेंट रूलर्स, ये सभी इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे। फ्यूडिटरीज कौन से होते हैं, जागीरदार थे, ठीक है, जो कि जो राजा है उनके अंडर में काम करते थे। तो जैसे ही प्रतिहारास का डिक्लाइन हुआ, ये जितने भी फ्यूडिटरीज थे सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। हम एज पर जो बुक में दिया हुआ उसको अपन कवर करेंगे, गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द लॉर्ड नेम्ड नागभट फर्स्ट इन 1725 AD। तो इस जो डायनेस्टी था इसके फाउंडर कौन थे, नागभट फर्स्ट थे, इन्होंने 1725 में इसको फाउंड किया था। ये भी एक फ्यूडिटरी थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है द डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, ये डायनेस्टी गुजरात से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। नागभट फर्स्ट वाज एक्सट्रीमली ब्रेव, वो बहुत ब्रेव राजा माने जाते थे। ही सक्सेसफुली कन्फ्रंटेड द इन्वेशंस ऑफ द अरब्स फ्रॉम द सिंध, सिंध से जितने भी अरब्स आए उनको उन्होंने सक्सेसफुली रोक दिया था। पिछले स्लाइड्स में बता चुका था इंडिया में जितने भी ईस्ट से जितने भी आक्रमण हो रहे थे, ईस्ट से इंडिया में जितने भी आक्रमण हो रहे थे उसको गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी ने रोका था। तो उसी का एक एग्जांपल बता रखा है, नागभट फर्स्ट जो थे उन्होंने सक्सेसफुली सिंध से जितने भी अरब का आक्रमण हुआ उसे सक्सेसफुली रोक दिया था। फिर उसके बाद आता है वत्सराज के बारे में, वत्सराज इज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी टू हैव द टाइटल ऑफ एम्परर, तो सम्राट की उपाधि पाने वाले ये पहले राजा बने गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी के। वत्सराज सन नागभट सेकंड इन्वेडेड गंगा वैली इन अराउंड 1816 AD, वॉन्ट कनौज एंड मेड इट इज कैपिटल, ठीक है। तो वत्सराज के जो बेटे थे जिनका नाम नागभट सेकंड था, इन्होंने गंगा वैली जो थी उस पर आक्रमण कर दिया और कनौज को जीत लिया और इसको अपना कैपिटल बना दिया। मैं पहले भी आप लोग बता चुका हूँ, कनौज जो था वो एक बहुत फर्टाइल लैंड पे बना हुआ था, एक बहुत प्रोग्रेसिव एरिया था, ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा ऐसा एरिया था, तो इस पे सब कंट्रोल करना चाहते थे। तो नागभट जो सेकंड था वही गंगा वैली में स्थापित था, ठीक है, तो इस पे आक्रमण किया और उन्होंने कनौज को जीत लिया और उसके बाद उसको अपना कैपिटल बना दिया। नागभट सेकंड वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग गोविंद थर्ड, तो नागभट सेकंड जो थे उनको राष्ट्रकूट किंग जो थे जिनका नाम गोविंद थर्ड जो था उन्होंने उनको परास्त किया था। और इनके जो डिसेंडेंट्स थे कंटिन्यू टू रूल कनौज एंड इट्स सराउंडिंग टिल 1018-19 AD।
और इसके बाद इनके जो वंशज थे में राष्ट्र गुजरा प्रत्याहार डायनेस्टी के जो भी वंशज रहे बाकी के, उन्होंने कनौज पे रूल करना जारी रखा और 1018 टू 1980 तक इन्होंने रूल किया। भोज फर्स्ट या मिहिर भोज वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो ये महान राजाओं में से एक थे। He was the grandson of Naagbhat II. ये Naagbhat II के grandson थे। यहाँ आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, Arabian traveler सुलेमान जो थे visited India during his time. तो यहाँ question उठ के आ सकता है कि भाई कौन सा traveler, Arabian traveler जो था प्रतिहारा dynasty या गुजरा प्रतिहारा dynasty में visit किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुलेमान जो थे Arabian traveler जो थे वो India में उनके time पे, मिहिर भोजा के time पे उन्होंने visit किया था। नेक्स्ट रूलर वाज महेंद्रपाल, और उसके बाद आए थे महेंद्रपाल जो कि डिसिपल एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ग्रेट पोएट राजशेखर। तो वो ग्रेट पोएट राजशेखर के प्रोटेक्टर भी थे, रक्षक भी थे और डिसिपल भी थी, उनके शिष्य भी थे। जो कि राजशेखर कौन थे, उन्होंने कर्पूरा मंजरी करके एक प्ले है उसको उन्होंने कंपोज किया था। तो ये आप लोग वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द कंपोजर ऑफ कर्पूरा मंजरी, तो ये आपका ध्यान रहना चाहिए आपको कि राजशेखर जो थे वो इसके कंपोजर थे कर्पूरा मंजरी के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महेंद्र सन महिपाल वाज डिफीटेड ऑफ राष्ट्रीय किंग इंद्र थर्ड। तो महेंद्रा के जो पुत्र थे जिनका नाम महिपाल जो था, उनको वो राष्ट्रकूट किंग जो थे जिनका नाम इंद्र थर्ड था, उन्होंने उनको परास्त किया था। During Mahipala's reign, the Gurjara Pratihara dynasty began to decline. Means इसके बाद की जो Mahipala के बाद का जो समय था वो Gurjara Pratihara dynasty के लिए अच्छा नहीं था और यहाँ से उनका जो dynasty थी वो decline होना शुरू हो गया। After him, the other rulers, Bose second, उसके बाद जो अन्य rulers जो थे जैसे Bose second था, Vinayak Pal, महेंद्रपाल सेकेंड, देवपाल, महिपाल सेकेंड, विजयपाल, इन्होंने 1013 एडी तक अपना शासन बनाए रखा। राज्यपाल वाज द किंग ऑफ कनौज, तो राज्यपाल जो थे कनौज के शासक थे। तो महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था तो कौन शासक थे, राज्यपाल। ही रैन आउट विदाउट कन्फ्रंटिंग गजनबी, तो इन्होंने क्या किया राज्यपाल ने, मीन्स गजनबी का बिना सामना किए वो भाग गए। लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ महमूद, और बाद में उन्होंने महमूद के शासन को, आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। द नाइबरिंग राजपूत रूलर्स वर अनॉयड बाय दिस इवेंट, और जो राजपूत रूलर्स थे इससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए इनके इस कायराना हरकत से। मीन्स गजनवी का सामना करना चाहिए था राज्यपाल को, बल्कि उन्होंने ना तो उनका सामना किया बल्कि वो वहां से भाग गए, और दूसरा उन्होंने महमूद और गजनवी की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इसको लेके जो नाइबरिंग जितने भी राजपूत रूलर्स थे बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे और गुस्सा थे। आफ्टर महमूद गजनवी हैड रिटर्न, जैसे ही महमूद गजनवी वहां से चले गए, द राजपूत रूलर्स द राजपूत किंग्स किल्ड राज्यपाल अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदेल किंग गन ऑफ कालिंजर। तो जैसे ही महमूद गजनवी वापस लौट गए तो कालिंजर के चंदेल राजा गन के नेतृत्व में उन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी एंड त्रिलोचन पाल असेंडेड द थ्रोन, और त्रिलोचन पाल को नया शासक नियुक्त कर दिया है, उन्हें गद्दी पे बिठा दिया। आफ्टर द राइज ऑफ गहडवाल राठौर डायनेस्टी इन कनौज, और उसके बाद राठौर डायनेस्टी या गहडवाल डायनेस्टी जिसे कहा जाए वहां कनौज में स्थापित हुआ, उनका उदय हुआ। द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी वाज एलिमिनेटेड फॉरएवर इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी,
और इसी के साथ 11th सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर आते आते गुर्जरा प्रतिहार कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, मींस कंप्लीटली एंड हो गई, डायनेस्टी का अंत हो गया। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी डिडंट अलाउ द अरेबियंस टू एडवांस फर्दर। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुरुआत भी मैंने यही बताया था कि उन्होंने अरेबियंस को इंडिया में प्रोसेस करने नहीं दिया था, वो इंडिया में एडवांस नहीं कर पाए थे, इंडिया में आगे प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मेनली गुर्जरा प्रतिहारास को याद किया जाता है कि उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से हमारे इंडिया को हमेशा बचाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के अपने कलीग के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।